भोजपुरिया समाचार में रोरा सबके स्वागत होती है। भोजपुरिया समाचार आज फिर से पहुँचल होती है एगो नया प्रत्याशी के इंटरव्यू लेवे खातिर। हालांकि यहाँ के नया प्रत्याशी ना ही मंजल प्रत्याशी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले ही से रहल बटू है। राजनीति में यहाँ के आज से ना लगभग कई दशक हो गई जहाँ से अपन राजनीतिक कैरियर के शुरुआत करनी। तो आज बात कही जाए, लेकिन एक पहले भोजपुरिया समाचार बता दे कि जिला भर के जितना भी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पे अभी जो हमारे भोजपुरिया समाचार के सर्वे चलता है ओकरा में जो तीन लोग बा, इन लोग के मस्ट इम्पोर्टेंट माने बहुत जरूरी तरीका से इन लोग के इंटरव्यू भोजपुरिया समाचार ली। तो आज बात करे जा रहा बा भोजपुरिया समाचार चौंगाई पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी से। तो आज बात हुई, लेकिन मुखिया प्रत्याशी के साथ साथ वहाँ के प्रतिनिधि से भी बात हुई। का चर्चा बटुए, का आवे वाला यहाँ के सोच बा, विकास के कौन राह दिखाई, का यहाँ के चर्चा हुई, इस सारा कुछ पे बात हुई। आई बात कर जाओ स्टॉप रुक दो। मुखिया प्रत्याशी गीता देवी और वहाँ के प्रतिनिधि अशोक सिंह जी से। अशोक सिंह जी, भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत कर जी। भोजपुरिया समाचार जितना सुनने वाले जनता पब्लिक भाई बहन सबके हमारे प्रणाम बा। सबसे बड़ा चीज बटुए कि राउत छवि जौन बटुए दबंग के लगल बा, दबंग प्रतिनिधि कहल जानी, का ई कारण बटुए? कारण बाकी जे भी सरकारी पदाधिकारी अगर पब्लिक के वर्क ना करी तो हमारे खातिर वो लोग से दबाव बनाई ला, प्रेशर बनाई ला। पदाधिकारी लोग बालू गाय इन्हें काम होने एक बात हमारा तो हो ना, तो जनता के लड़ाई खातिर जहाँ तब वही करे के पड़े तहाँ तो कर ही के बा हमारा। मतलब ये बाकी पदाधिकारी लोग रोरा के कह दे माने कि दबंग टाइप। हाँ, जेकरा जेकरा से काम के प्रति स्टेट वाले पदाधिकारी लोग हम लोग काम कर चाहते नहीं के टाइम पाना बा, टाइम पर जाना बा। जब से हमारे 2006 से पंच ब्लॉक के दीदी में काम भाई बोलते कि पी एच की दीदी कहा रहे 2006 के पहले आज के प्रेजेंट में जो है का बा। रोरा जब एक बात बता दी रोरा सब के भोजपुरिया समाचार बता दे कि यहाँ के जौन बानी तवन ब्लॉक प्रमुख भी रहल बानी एक बार आ दोबारा यहाँ के विजिटर नहीं, लेकिन संजोग बस ब्लॉक प्रमुख है जो वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि बा, उनकर पत्नी बाड़ी मुखिया बाड़ी ओघरी प्रखंड प्रमुख रहे। तो बात कही जाओ कि यहाँ के कार्यकाल में का कोई नहीं कि लगातार दो बार जीत हासिल कर ली, जैसे कि पंचायती चुनाव में जल्दी दो हाली केहू ना जीतेला, लेकिन यहाँ के दो हाली बी डी सी जीतनी। तो पहलका हाली के अपन कार्यकाल के बताई कि जनता के प्रति जनता खातिर उरा का कोई नहीं? जनता खातिर जितना भी सरकारी जो सुविधा है सबसे विशेष चौगाई प्रचार पंचायत में अपन देनी, वृद्धा पेंशन के, इंदिरा आवास के, जितना भी योजना के काम बा हम पांचों पंचायत में देनी। वीडियो से खाली मार हो गए मार हो गए कि जैसे हम काम कर कमीशन के चलते मार भई रहे। अच्छा, कमीशन हो भर लेते रहे कमीशन? हाँ कमीशन, हम कहीं कमीशन आपको इतना पेमेंट मिला आप लोग कमीशन किस बात की? कौन बात के कमीशन मांगे लगे? हर योजना जितना योजना चल रहा है आप लोग योजना कराइए, हम समीक्षा करेंगे। तो वीडियो साहब क्या कहा? 3 महीने तक काम बंद रहे तो मान गए बात कहें तो मंदिर से जो मान गए बाबू साहब टक्कर हो गए बाबू साहब ना। हम कहें कि कमीशन किस बात का? जब सरकार के आप सरकारी नौकर मुलाजिम है, आप प्रमुख के सचिव हैं, तो कमीशन किस बात का? आप लोग नया बात कर जो बोल रहा था जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे सामने नहीं चलेगा, कमीशन खोरी बंद हो जाए एक खातिर हम होते रहे सब पदाधिकारी और कौन? हाँ केशव भाई, जनता खाती जेलो गए नहीं, हम जेलो गई बनी दू बार एक रन, 1 महीना एक रन, 1.5 महीना वही के समय में दो अलग अलग प्रभारी प्रभारी कृषि से जो झंझट भाई उनका एक जिम्मे रहे 11 अलग में 6 के बाद जो भाई रहे। अच्छा, रोरा मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी लड़ल रही? हाँ। और पत्नी तो मान ली कि बीडीसी बनली, बीडीसी के बाद प्रखंड मुखिया पर हम शुरू से ही मुखिया प्रत्याशी के रूप में लड़ल रही, सीट रिजर्व हो गई। हम सोचिए रवि सिंह चुनाव लड़ नहीं जाए तो लल्लू बाबू मरल के बाद सहानी वोट सहानुभूति वोट के चलते वहाँ के चुनाव निकल गई। लल्लू सिंह जो उनकी कई दर्शक से आ रहते रहन जी जी, तो वहाँ लल्लू बाबा हमने के जो रहन कई दर्शक से चुनाव लड़ते रहन, ओकर बाद जब भइल तो उनका लड़का लड़ रहन लल्लू बाबू देहांत हो गई, तो उनका सहानी वोट सहानुभूति वोट छोड़ गई। राहुल कितना ही रहे वोट होगा जी? अब से देखे के पड़ेगा, सेकंड में हम ही रहे। अच्छा, सेकंड में हम ही रहे। का कारण बा कि उरा सेकंड रहिए त सेकंड लगी? कारण बा पर पिछलो में ये से बाकी जब विधायक लड़ल उनकर पत्नी फिर मुखिया में लड़ गेली, हमने राजपूत वोट के बिखराव हो गई। राजपूत वोट से अति पिछड़ा वोट ज्यादा हमारे संगे बा शुरू से, अति पिछड़ा पिछड़ा जितना बा दलित महादलित, अब राजपूत वोट के बिखराव हो गई।
एक चलते दिक्कत हो, एक चलते दिक्कत हो गई। अब की बारी चुनाव जनता चिकित्सा लोग से क्लियर बा, क्लियर बा। हाँ परिश्रम का आधार पर वहाँ पर कहा था नहीं, जनता के वोट देवे के बना आज के डेट में क्यों एक वोट के ठेकेदार बा, क्यों कहे कि ना सबके संबंध अधिकार बा। बड़कू सिंह सेकंड स्थान पर पिछला बार रहन, अनीश नारायण फर्स्ट पर, तीसरा स्थान पर हम रहे। अब की बारी का लगा, अब की बार चुनाव बहुत सुंदर रहा, निकल जाए, निकल जाए कि सच्चा है, बिल्कुल दावा एकदम कर, दावा एकदम कर सन, चुनाव निकाल, चुनाव निकाल ले। एक चीज और देखा जा रहा अंदर कि पारिवारिक झगड़ा झंझट होला, चाहे कोनो अदर कास्ट में मारपीट के घटना होला, ओकरा में रूरा इन्वॉल्व होके ओकरा के मारपीट के शांत करा दीला, थाना तक ना जाए दीला, ये कुल रूरा अंदर एबिलिटी वाले कि नेकरा बावजूदो रूरा हार जाते नहीं। देखिए कहाँ कमी लागत है, कमी लागत है कि जहाँ वोट के बिखरा होता है। देखिए पब्लिक आज के डेट में बड़ी कि कहीं दारू के किया होता है, कहीं दारू पिया होता है, कि मुर्गा क्या होता है, कुछ पब्लिक कहीं चलो बाड़ी दारू पी मुर्गा चलेला चलेला बात भी है, तो कुछ कारण नहीं हो जाते रहे। फिर अब तब जनता बहुत जागरूक हो गई बड़ी, हम तो शुरू से ही संघर्ष करते ही रहे, जब से चौगाई महीनी 1975 में कहीं चोरी टकरी रात पड़े गाँव में बाढ़ी, तो तुरंत अपन हथियार लेकर निकल जीब हम, रात में तो कुछ पता ना रहे कहाँ चोरी भैल बा, कहाँ टकती भैल बा, कहीं झगड़ा पंचायत जरूर, अब केहू गाँव के जवाब में केहू कहीं बोला ले जाइला हम, यही से दबंग कहला। स्वच्छ बात बोले खातिर क्या खातिर कि दबंग कहो, मुझे कल बात तो हमारे केहू कहा ही ना, तो काहे रोड़ा पर लोग विश्वास कर रहे निचली जाति के लोग के रखल बनी कि हम बहुत बार खुद भोजपुरिया रोड़ा सबके बता दी कि भोजपुरिया समाचार भी कई बार देख ले बा, हम खुद चंद्रशेखर सिंह देख ले बनी कि कई गो ऐसा मामला बा जौना में अशोक सिंह खुद से उसमें बीच में पड़ के और दोनों पार्टी के शांत करा के थाना तक मामला ना जा दी है, तो एकरा पीछे का कारण बताइए। एकरा पीछे कारण बा कि हम सही बात बोल के दोनों लोग के समझाई ला भाई, जे जे अपना बात सही अपना जगह पर रही, काहे और कोनो नेता नहीं खड़े और नेता बाड़े के मुंह देखल बात पति आवे के बा, अरुरा दूध के दूध पानी पानी के पानी मुंह कर इंसाफ कर ले तब हार जाते। अब हार जाते तो चुनाव तो हार जीत की चीजें बा, लगातार बीडी से लड़नी के बाद प्रेजेंट में बीडी सी का अपन सीट रहल तो बीडी सी को प्रत्याशी की छोड़ छोड़वा देंगे अपना। लेकिन अभी जो सर्वे एलबा में अभी तीसरा स्थान पर बनी, अब सर्वे वो कैसे तीसरा स्थान पर कल बनते ये लोग बता सकता नहीं। देखी भोजपुरिया समाचार आज क्लियर कर दे रहा बा कि कैसे सर्वे होता है, एकर लड़का बने रैंडम जांच करता है, चारों दिशा से जाके पान के गुमटी पो मिठाई के दुकान पो खड़ा होके आ उनका पूछे के तरीका ये बटुए, चाहे छोड़ दिया जाए बताओ उचित नहीं थे लागत, लेकिन से बता दी कि लगभग लगभग 500 से 1000 लोग के हर पंचायत में हमने के ले तनी जाए, तो का नहीं खेला कि और मेहनत करे के चाहे 3 महीना भी समय बाद मेहनत करे के चाहे मेहनत करते बनी हम, जीत के फासला बहुत कम रही हो रहा बता तनी भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहा बा, या तो रौरा जीत जाए बड़कू सी जीत जाए चाहे अनीश नारायण जीत जाए बहुत कम अंतर रही, जीत के फैसला देखिए जनता जनार्दन के हाथ में बाइन कम में ना रहे दूरी रही दूरी रही, तो ये हमारा आकलन बा और ये प्रत्याशी अपन अपन आकलन दे, 2006 में देख ली बीपीएल कितना हम बनोले बनी, यही से पदाधिकारी लोग से हमारा लड़ाई होते रहे, हम विशेष विशेष अपने पंचायत में हर चीज योजना चाहे इंदिरा आवास होके वृद्धा पेंशन होके तो कोई भी योजना होके कहो तो लोग लेकिन उतना लोग के क्षमता नहीं के पदाधिकारी से चपलूसी करता लोग देख ली लोग उठा के आंकड़ा देखिए करते लिखित आंकड़ा बा ब्लॉक में कि हमारा रिजी में एपीएल बीपीएल कितना रहे आज के रिजी में एपीएल बीपीएल कितना बा शौचालय के देखते बन लंगलनाथ जो भैल शौचालय में लेन देन होती है सब सुविधा से छिपल बे बात के बताएंगे एकदम एकदम निश्चित बेहिचक इंदिरा आवास अभी कहाँ बा इंदिरा आवास में तस्ली हो गई बा हाँ तस्ली हो गई बा हर चीज के जाने कोटा बा अच्छा करो कोटा बनल बा हाँ हर चीज के दलित महादलित कितना मिली हाँ वो तो कोटा बा पैसों के कोटा बा हाँ पैसों का फिर जैसा मुला बदल वैसा बदलने वालों और जो सामने देखे का जी कितना लोग इंदिरा आवास मिलता कितना लोग नहीं के मिलत तो सामने आ समय में दिन बता दिए कि कितना लोग मिलत हर पंचायत का अलग अलग कोटा बा में हमारे चौगाई वीडियो साहब से बात बोल रहे तो वहाँ के कहनी कि 662 गो की 63 गो आई बा 70 से 75 लोग के
चौगाई वीडियो साहब ने पहले प्रथम 3 महीने पहले बात हुई बा कि वीडियो साहब पहले चल के हर जिस व्यक्ति को आपको इंदिरा आवास देना है आपको जांच करना है। एकदम अशोक जी हम जाते जीते प्रतिनिधि हारे प्रतिनिधि उस वार्ड के मेंबर पंच बत एकदम बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। पहले उस आदमी को दीजिए कि जिसको मरे में बसर कर रहा है। वैसा बहुत ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम छूट गया है सूची में। अंतिम सवाल बटुए कि जनता से रोड़ा भोजपुरिया समाचार के माध्यम से का अनुरोध करो। जनता से करब कि हम हमेशा सेवा खोले बनी आगे से हमारे सेवा दोनों परिचित बनी हमरा का हाँ हमरा के बाप अपन बहुमूल्य वोट दे के हमरा के विजयी कराए बनाई आशा बाकी जनता हमरा के विजयी बनाई। आई बात कह जाओ जे अभी मुखिया के प्रत्याशी बनी गीता देवी जी से जो प्रखंड प्रमुख भी रहल बनी तो वहाँ से भी सब बात कह जाओ एक और बात बता दी कि नाता में भाभी लागल तो हम चाहत नहीं कि आज वहाँ से भी बात कह जाओ तो बताई रौरा यह बार फिर से चुनावी मैदान में बनी तो चुनावी मैदान के चुनावी मैदान में बनी तो का निहोरा करो जनता से निहोरा ये कह रहा आखिर रौरा सब के हम अपन पहले ही बनी प्रमुख बन रही तो अब अकियो हाली रौरा सब के हम कर अभी अब का करे के बड़ गए पूछ ही के उनका लोग के यहाँ थे हमरा जोड़े के बड़ गए पिछला बार हार गई तो दुख भइल कि ना दुख भइबे कोई रहे बाकी अब सब सुन के हार गई नहीं तो सब सुन के वो लो दुखी रहे लो वोट जे हमरा के देले बा वो बाकी अब की हाली ले कहता लो कि ना हम रौरा के जिताई रौरा काम कुल कैल ही बनी कितना हम पिनसिन अथी कुल बुधा पिनसिन कतनी हम कैले बनी घर मकान कुल बनवा बनी वो लोग माने दुखी में बा लोग कि ना हमार मलकाइन अब की हाली प्रमुख अथी मुखिया में जीत सब तैयारे बढ़ गए का विनती करो दर्शक लोग का कहब अंतिम में जनता से का कहब अब जनता से यही ना कहब कि हम हाथ जोड़ा तानी रोड़ सब हमरा के जिताई जाए रोड़ा सब मिलनी अशोक सिंह दबंग प्रतिनिधि आ साथे साथे वहाँ के पत्नी जो कि हमार भाभी भी लागब गीता देवी से यहाँ के फिर से चुनावी मैदान में बानी पिछला बार 3रा स्थान पर रही अब एगो और दमदार प्रत्याशी के रूप में अगला बार भोजपुरिया समाचार रोड़ा के मुलाकात कराई तो भोजपुरिया समाचार लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।